हेलो दोस्तों, मैं हूं गुणजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक पिक्स। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, सेक्स वर्कर का एनआरसी में नाम नहीं है। एनआरसी में सेक्स कर्मियों ने क्यों नाम नहीं दिया और असम के जो सेक्स कर्मी है वो क्या कहा और देश के कलंक है क्या सेक्स वर्कर, तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और वीडियो को लाइक करना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सिलचर में दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही, सेक्स वर्कर का जो नाम है वो एनआरसी में नहीं है। सिर्फ सिलचर में ही नहीं, असम के बहुत सारे इलाके में जो है सेक्स वर्कर का नाम नहीं है। किस लिए नहीं है, इस वीडियो में जो है दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक्टिविस्ट का कहना है कि कई तस्करी करने वाले बच्चे हैं या कलंक के कारण डेटा नहीं दे पा रहे हैं। दक्षिण असम के सिलचर के एक कार्यकर्ता ने अधिकारियों से सैकड़ों यौन कर्मियों को शामिल करने के तरीके खोजने को कहा है, जो अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी में शामिल करने के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे क्योंकि वे अपने परिवार द्वारा दूर किए जा रहे थे। सिलचर कस्बे में कुछ सेक्स वर्कर बच्चे के रूप में तस्करी पता नहीं कहाँ से आई है, जबकि अन्य के पास एनआरसी में शामिल होने के लिए आवश्यक पारिवारिक पेर के माध्यम से अपनी परिवारों की पहचान करने के बारे में कुछ दूसरे विचार थे। कार्यकर्ता तुहिना शर्मा ने कहा, सिलचर यकीनन पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा रेड लाइट क्षेत्र है जिसमें 3 इलाके शामिल है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था, जब मित्र देश के सैनिक ने मिजोरम और मणिपुर के रास्ते म्यांमार के रास्ते पर रुक गया थे। सैकड़ों यौनकर्मी ने कहा, यौनकर्मी है और कई के बच्चे हैं, हम पेशों के कारण उन्हें सेटल नहीं होने दे सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश को मजबूर किया गया था और ये कलंक उन्हें अपने परिवार के सदस्य के विरासत डेटा का उपयोग करने से रोकता है। सुश्री शर्मा यौनकर्मियों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने वाली एक वकील द हिंदू कवायद, यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 1500 यौनकर्मी उन 3.6 लाख लोगों में से है जो 31 अगस्त को प्रकाशित अंतिम एनआरसी के लिए आवेदन नहीं कर पाया थे। असम की गृह विभाग ने अधिकारियों ने कहा है कि एनआरसी प्राधिकरण अभी तक एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले के बारे में कोई योजना बता रहे हैं। तो एनआरसी सरकार ने एनआरसी अभ्यास के लिए नियम बनाया है, मानक संचालन प्रक्रिया के तैयारी की है, ट्रिब्यूनल और नागरिकता से जुड़ी हर चीज़ की स्थापना की है। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यौनकर्मियों के लिए आगे का रास्ता दिखाए जिनकी नागरिकता की स्थिति कोई उनकी गलती नहीं है, सुश्री शर्मा ने कहा। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, उन सभी सवालों के जवाब मैं एक बार में दे देता हूँ क्योंकि आप इन जो है आर्टिकल में आपने सुना ही और समझ ही गए होंगे और मैं इन सारे सवालों के जवाब शॉर्टकट में दे देता हूँ। देखिए, सेक्स वर्कर का नाम क्यों नहीं है एनआरसी में, इसका कारण यही है कि जो सेक्स वर्कर का जो है वो लोग तस्करी, मानव तस्करी, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में आते हैं या फिर हमारे देश का ही जो है छोटे कस्बे से, गांव से जो है उन लोगों को जो है लाया जाता है किसी दूसरे बड़े बड़े सिटी में जो है लाया जाता है और उनको इन कामों में जो है लगाया जाता है और उनको बोला जाता है कि वहाँ पर बड़े बड़े बहुत सारे काम है जो कि मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर लाके जो है इन जो है सेक्स वर्कर या फिर भिक्षावृत्ति कामों में जो है लगाया दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक कारण है और जो है उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता और बाद में जो है जब वो घर वापस नहीं जा पाते क्योंकि उनको मन में ये लगा रहता है कि मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ तो हम लोग फैमिली में कैसे जा सकते हैं, और बहुत सारे जो सेक्स वर्कर है वो पुलिस थाने में भी जाया हुआ होता है क्योंकि ये गलत है पब्लिक के लिए सेक्स काम करना, तो इन सब वजह से जो है वो लोग घर पर नहीं जा पाते हैं और घर से भी निकाल दिया जाता है जब जानते हैं घर वाले। तो ये सब इनके कारण है, सेक्स वर्कर का नाम किस लिए एनआरसी में नहीं है, उनके पास वो डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है। तो दूसरा सवाल जो है, एनआरसी में क्यों नाम नहीं दिया सेक्स कर्मियों ने, तो यही एक ही सवाल के जवाब जो है ये है कि उनके पास कैसे डॉक्यूमेंट होगा क्योंकि उनके फैमिली से जो है उनका नाता रिश्ता तो नहीं है,
क्योंकि ये अगर काम अगर कोई घर घरवाली या फिर घर के सदस्य कोई करेगा तो उनके घर से तो निकाल ही देगा। और हमारे जो कल्चरल जो चीज़ें हैं वो कल्चर जो है वो इस तरह से ही है, क्योंकि अगर कोई सेक्स का काम करता है अंदर से करेगा, लेकिन जो बाहर से अगर कोई दिखाएगा तो उनको जो है घर से निकाल देगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसी प्रश्न का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। और क्या कहा ये असम की यूनियनकर्मियों ने, देखिए इन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। क्या कहा सेक्स कर्मियों ने, कहा क्या हम लोग कलंक है देश के लिए। आप अगर सेक्स कर्मी ने ये भी कहा कि जो है अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप अगर एक दर्जी है या फिर जो भी है, तो मैं आप लोगों को कहूँ कि आप जो दर्जी का काम करते हैं, आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप क्यों डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं बने, तो उसके बाद जो है बोले कि देखिए ये हालत का मारा हूँ हम लोग, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि समय जिस ओर से ले जाएगा हम उसी ओर से जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा हम लोगों को। और जो है दोस्तों देखिए सेक्स कर्मियों ने ये भी कहा कि हम लोग जो है हम लोगों को परिवार की ओर से सपोर्ट नहीं है, परिवार के जो पहले जो है बहुत सारे ऐसे सेक्स कर्मी है उनको जो है सपोर्ट नहीं मिलता, परिवार है भी, बाद में जब जानने को मिलता है कि वो सेक्स वर्कर है यौनकर्मी है तो उनके घर से निकाल दिया जाता है या फिर उनसे बात नहीं किया जाता, संपर्क संपर्क टूट दिया जाता है उन लोगों से। तो उसके बाद दोस्तों देखिए देश के कारण देश का कलंक है क्या सेक्स कर्मी यौनकर्मी, तो इसका सवाल जो है अगर मैं दूँ, मेरे हिसाब से दूँ तो नहीं, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से नहीं होता, ज़्यादातर जो है इच्छा से सेक्स वर्कर नहीं होता, यौनकर्मी नहीं होता। ठीक है, जो वेश्यावृत्ति करते हैं वो नहीं होता अपनी इच्छा से, 80% इन इन कामों में जो है उन लोगों को जो है दूसरे लोग जो है इन कामों में लाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बोला छोटे कस्बे या फिर दूसरे बड़े शहरों से जो है उन उन लोगों को जो है सिटी में लाया जाता है इन कामों के लिए, तो वो लोग कलंक नहीं है। और अपने पेट पालने के लिए भी बहुत सारे लोग ये करते हैं, क्योंकि काम नहीं है। और वैसे भी तो हमारे जो है भारत में जो बहुत ही जो है काम के बहुत अभाव है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो कलंक नहीं है, काम तो है ये। और बड़े बड़े जो दूसरे जो शहर या फिर देश के हैं तो उनमें भी जो है ये काम होते हैं सेक्स वर्कर कहते हैं, उनका जो है गवर्नमेंट की ओर से उनको जो है आइडेंटिफाइड भी किया जाता है, और उनके नाम पर जो है जैसे कि हमारे देश में पैन कार्ड वोटर आईडी होते हैं उनका भी जो है आईडी होता है, जैसा कि अमेरिका हो यूरोप में भी ऐसा है कुछ देशों में। ठीक है, तो यही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।